जय श्री महाकाल। दोस्तों जरा सोच के देखिए कि दुर्लभ कश्यप का मौत हो जाता है। दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद अब कुछ ऐसे लड़के आते हैं जो कि दुर्लभ कश्यप चौक स्थापित करते हैं। कुछ लड़के अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए आज के समय में वो करना शुरू कर दिए हैं जिनके बारे में आपको शायद पता ना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसा बात बताएंगे जिसको सुन करके आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि दुर्लभ कश्यप के नाम पर क्या क्या हो रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप जिसने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया और जब दुर्लभ कश्यप मात्र 16 साल का था तभी इसने अपना गैंग भी बना लिया। लेकिन कहा जाता है कि जब दुर्लभ कश्यप 21 साल का हुआ तब तक में दुर्लभ कश्यप मारा जा चुका था। दोस्तों आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो लड़के खुद को दुर्लभ कश्यप गैंग का हिस्सा बताते हैं और बहुत लड़के ये भी कहते हैं कि दुर्लभ कश्यप तो मेरे साथ घूमता था, दुर्लभ कश्यप तो मेरे साथ पढ़ाई करता था, वो तो मेरे बगल का ही था, वो तो मेरा चाचा का लड़का था। तो कुछ इस तरह का बात है। लेकिन असल बात ये होता है कि वो दुर्लभ कश्यप को कभी देखा तक भी नहीं था। और ऐसे ऐसे लड़के हैं जो कि अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए, जो कि अपना सपना पूरा करने के लिए, अपने नाम को ऊपर ले जाने के लिए वो दुर्लभ कश्यप नाम का सहारा लेता है। दोस्तों आपको बता दूं कि एक सच्ची घटना है महाराष्ट्र शहर की, जहां पर कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप के नाम से एक चौक बनाया जाता है और उस चौक पर नशा किया जाता है और कुछ गुंडे बदमाशों के द्वारा वहां जबरन वसूली किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि आज के समय में दुर्लभ कश्यप के नाम पर बहुत जगह गलत गलत काम हो रहा है। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो ये घटना हुआ तो महाराष्ट्र पुलिस, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन लोगों ने कार्रवाई भी करा और कुछ गुंडे बदमाशों को पकड़ा भी गया है, तो इस तरह का काम जो कोई भी करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी किसी भी गुंडे बदमाशों का नाम इस्तेमाल करके कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि आपको बता दूं ना कि आप यदि कभी भी गलत करोगे और यदि वो समाज के विरुद्ध होगा तो पुलिस हमेशा आपके ऊपर कार्रवाई करेगी ही करेगी। इसलिए हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आपराधिक कामों से हमेशा दूर रहिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिला होगा। जय श्री महाकाल। मिलता हूं अगले नए वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री महाकाल।